जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है वो लाजवाब थी, और ऐसी बैटिंग ही होनी चाहिए। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसे कोई क्रिकेटर पैदा हो जाए जो इस तरह चौके छक्के लगाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कल अगर बात करें हम बांग्लादेश और इंडिया के मैच की, तो उनका मैच था जो कि इंडिया कह लें कि जीता है, लेकिन पिछले दो मैचेस का निचोड़ निकाला है उसने इस मैच के अंदर, और ये वनडे सीरीज हार भी चुका है इंडिया, लेकिन उनका एक प्लेयर है ईशान किशन जिसने कल डबल सेंचुरी की है, तो क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? इसमें नो डाउट जो इंडियन बैट्समैन है वो बेहतरीन है, और उन्होंने पहले भी डबल सेंचुरीज की हैं जिस तरह सचिन ने भी की है, और उसके बाद जितने भी क्रिकेटर्स आए हैं वो कोशिश करते हैं। बैटिंग लाइनअप में तो उनका कोई सानी नहीं है, और कल वाला जो मैच था उसमें ऑफ कोर्स जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है वो लाजवाब थी, और ऐसी बैटिंग ही होनी चाहिए। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसे कोई क्रिकेटर पैदा हो जाए जो इस तरह चौके छक्के लगाए और डबल सेंचुरीज करें। पाकिस्तान में फखर जमान जो उनसे उन्होंने डबल सेंचुरी की हुई है, वो भी इनकी इनकी एज के थे जब उन्होंने डबल सेंचुरी की, यानी कि जो ईशान है वो 24 ईयर्स ओल्ड है। असल में मसला ये है कि फखर जमान को ना ज़्यादा चांसेस नहीं देते ये लोग। फखर जमान को अगर रेगुलरली ओपन कराया जाए तो वो काफ़ी रिकॉर्ड्स बना सकता था, इवन स्टिल ही इज़ यंग, तो वो आगे भी बना सकता है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि उनकी जो बैटिंग लाइन है वो इतनी ज़बरदस्त है, मतलब कि देखा जाए तेंदुलकर ने 200 डबल सेंचुरी किया, फिर उसके बाद और भी उनके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डबल सेंचुरी करते रहते हैं, तो विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन ये वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने कल कह लें कि नो डाउट उन्होंने कहा निकल तो गए हम सीरीज़ में से, लेकिन हम दिल से खोल के खेल जाएंगे। पाकिस्तान क्यों नहीं खेल सकता? पाकिस्तान के मतलब कि प्लेयर्स को क्या मसले में सायना? पाकिस्तान को नज़र लगी हुई है असल में किसकी? इंडिया की। इंडिया की लग गई। अच्छा एशिया कप में भी लगी, वर्ल्ड कप में भी लगी, दोनों? एक्चुअली किसी की नज़र नहीं लगी, अपनी परफॉर्मेंस है। जॉक के साइड के उस वक्त मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये कि इनकी अपनी बेवकूफ़ियाँ हैं, अपना कह लें कि जो बैटिंग लाइनअप है ये इनको लगाना नहीं आ रहा। बाबर और अगर रिजवान से ओपनिंग नहीं की जा रही, अच्छा नहीं खेला जा रहा, तो उनको चाहिए फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन आके खेलें, और ओपनिंग में हमें ज़रा बैट्समैन चाहिए, आफरीदी टाइप, फखर जमान हो गया, किसी और को भेज दें साथ में जो कि चौके छक्के लगा सके, ताकि अगर खेलना है तो जल्दी खेलें वरना आउट हो जाए। ठीक है, तो उससे बंदे को लॉस नहीं होता, पता होता कि भाई बाबर ने भी आगे आना है, रिजवान ने भी आगे आना है, तो वो संभाल लेंगे मिडिल ऑर्डर में। बेसिकली इनको मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए हर दफ़ा। आप ज़रूरी नहीं है कि 10 विकटों से ही जीतें, तो ये समझ रहे हैं कि हम हर दफ़ा 10 विकटों से जीतेंगे, जो कि बेवकूफ़ी है। उस वजह से हम लोग हमारी बाकी जितनी बैटिंग लाइनअप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही हो गया। तो थैंक यू सो मच रघुपी अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएंगे कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, हालांकि वो दो मैचेस हार चुके थे, कल निचोड़ निकाला उन्होंने अपने पूरे मैचेस का उसके अंदर, तो उनके एक प्लेयर है ईशान किशन जिन्होंने डबल सेंचुरी किया, तो क्या कहना चाहते हैं आप उस प्लेयर के बारे में? हाँ जी, वो जो टिड्डा सा ईशान किशन है, हाँ जी वो बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो है ना इंडिया वाले मतलब अपने टैलेंट को आगे लेकर आते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है ना अपने टैलेंट को आगे नहीं लेकर आते, सिफारिश चलती है। तो मैं खरी बातें करता हूँ और खरा बंदा हूँ, ये नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना सारे जो है ना सिफारिश के प्लेयर आए हुए हैं, जैसे शान मसूद और ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट प्लेयर हैं उनको T20 में खिला देते हैं, जो T20 वाले उनको टेस्ट में लेकर चले जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हम जो है ना अपना इंडिया के मतलब इंडिया की जैसे हमारी PCB है तो उनकी पता नहीं कौन सी, मुझे नहीं पता, तो वो मतलब जैसे अपना काम कर रही है तो हमें भी ऐसे काम करना चाहिए, मतलब अपने टैलेंट को आगे लेकर आना चाहिए। और अपने टैलेंट को तो आगे लेके आना चाहिए, लेकिन वो अभी सिर्फ 24 साल के हैं और इतना ज़बरदस्त वो खेल गए हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी की है? जी बिल्कुल, फखर जमान हमारे हीरो हैं, उन्होंने डबल सेंचुरी की थी, तो वो भी मतलब 24 साल के ही थे जब उन्होंने अपना डबल सेंचुरी की थी, और ईशान किशन भी इस वक्त 24 साल के ही थे जब उन्होंने डबल सेंचुरी की। सर मुझे ये बताएंगे अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए तो हमारे जो प्लेयर्स हैं क्या वो प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करते हैं, या उनके पास प्रॉपर कह लें कि ट्रेनर्स नहीं है जो कि उनकी बैटिंग लाइन इतनी अच्छी इंप्रूव नहीं हो पा रही? नो डाउट बॉलिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बैटिंग के वक्त उनको क्या हो जाता है? जी आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो है ना फोकस नहीं करते, हमारे जो मतलब हमारी PCB है ना वो सिफारिश को आगे लेकर आती है, और टैलेंट जैसे हमारे पास शर्जील खान थे, आपने देखा वो बहुत अच्छा खेलते हैं PSL भी, और उन्होंने पिछली ये अपना कोई लीग हुई है मैंने देखी थी, मुझे नाम नहीं आ रहा, तो उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और उसके अलावा मतलब हमारे काफ़ी बेस्ट मैन ऐसे हैं जिनको इन्होंने ज़ाया किया है और कर रहे हैं अभी भी, और जो है ना ये सिफारिश को आगे लेकर आते हैं। जैसे कि अब हमारी बॉलिंग मानता हूँ कि अच्छी है, लेकिन इतनी नहीं है कि जैसे पिछली बार आपने देखा कि टेस्ट मैच में अपने इंग्लैंड ने हमारी इतनी धुलाई की है, तो आप देखेंगे हमारे पास मोहम्मद आमिर जैसे फास्ट बॉलर मौजूद थे, तो इन्होंने उनको ज़ाया कर दिया है सिर्फ ज़िद्द की बुनियाद के ऊपर कि हम अपने सिफारिश को आगे लेकर आएँ। पाकिस्तान में सिर्फ सिफारिश चल रही है,
और इसको किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करना होगा। जी सही होगा। थैंक यू सो मच सर गोपिन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, पिछले टू प्रीवियस जो मैचेस थे इंडिया हार चुका था, ये सीरीज हार जाने के बावजूद भी इंडिया ने कल बड़ा ज़बरदस्त खेला है और कह लें कि एक किस्म का रिवेंज लिया है। और बात करें अगर हम ईशान किशन की तो उन्होंने कल डबल सेंचुरी किया है 117 बॉल्स के अंदर, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में? डबल सेंचुरी ऐसे ही किया है, कितने बॉल्स पे? 117 बॉल्स पे उन्होंने डबल सेंचुरी, मतलब दिस इज सो सरप्राइजिंग इफ आई सी दैट लाइक 117 balls only and the score was 200. Oh my gosh, this is so surprising. Well, I would definitely like to say कि ये एक बहुत ही different way में इंडिया जो है वो क्रिकेट खेल रहा है भाई। थोड़े से ईजी हो जाओ, थोड़े स्लो हो जाओ, तुम्हारा कोहली पहले कम है और मतलब इंडियन यार, मैं अगर और ना सीरियस नोट में बात करूँ ना तो इंडिया जो है वो हर सेक्टर में ही जो है ना बड़ा अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है और जितना अच्छा आप कर रही हैं ना उतना ही अच्छा इंडिया जो है वो रोल भी प्ले कर रहा है। तो भाई क्रिकेट तो इंडिया की नो डाउट बेहतरीन है। सही हो गया। अच्छा अगर बात करें बात तो पूरी करने की? नहीं, मेरा जुमला कंप्लीट नहीं हुआ। अगर देखा जाए ना तो इंडिया एक बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलता है, वो बड़े प्लान के साथ खेलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। वो इवन T20 भी खेले और उसमें भी उनको पता हो ना कि अब रन रेट बहुत स्लो हो गया है, स्कोर बहुत कम है ओवरऑल और उसको खींचना है, लेकर जाना ऊपर, तो वो भले उन्हें 3 ओवर्स भी टुक टुक करके खेलने पड़े वो भाई खेलते हैं और उसके बाद फिर वो अगले 1 ओवर के अंदर पिछले 3 ओवर्स की कसर निकालते हैं और इस चीज़ के लिए मैं बड़ा उन्हें दाद देना चाहता हूँ। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएंगे अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात की जाए तो फखर जमान थे जिन्होंने डबल सेंचुरी किया पाकिस्तान में से, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो भी इसी एज के थे और इसी एज के अंदर उन्होंने मतलब 24 ईयर्स ओल्ड हैं इस वक्त ईशान किशन, उन्होंने डबल सेंचुरी किया एंड फखर जमान भी ऑलमोस्ट 24 ईयर्स के थे जब उन्होंने डबल सेंचुरी किया, तो हमारे जो प्लेयर्स पहले जैसे थे अब वैसे क्यों नहीं आ रहे? पहले फखर जमान जो हमारे प्लेयर हैं उन्होंने भी सेंचुरी की है, डबल सेंचुरी उन्होंने भी किया। वाओ दिस इज़ सो सरप्राइजिंग एज वी वर टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेयर्स, सो हमारे प्लेयर्स भी यार बहुत कुछ कार कम नहीं है। वेल इफ़ यू नो कि हमारी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो डिपेंड करती हैं मौसम पे। मतलब हम कह रही हैं मेरी बात तो पूरी सुने, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है मौसम पे। अगर हम मौसम में सर्मा में खेलें तो उसमें स्वेटिंग हमारे प्लेयर्स की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो कि एक्चुअल रीज़न है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्वेटिंग है वो सिर्फ माथे पर नहीं बॉडी के और बहुत सारे पार्ट्स में होती है और वो हमारे प्लेयर्स को कुछ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो लोग ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। Not roasting anyone, but I'm just saying what I have observed. So मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि ये जो है हमारे प्लेयर्स भी किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इंडियन टीम के प्लेयर्स डबल सेंचुरी कर सकते हैं तो हमारे भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्लेयर्स के भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी कायम हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि कल इंडिया का मैच था बांग्लादेश के साथ, प्रीवियस दो मैचेस जो थे वो इंडिया हार चुका था, लेकिन कल के मैच के अंदर दिखाई दिया है कि इंडिया ने किस तरह से निचोड़ निकाला है उन दो प्रीवियस मैचेस का। और अगर बात की जाए विराट कोहली की तो उन्होंने भी सेंचुरी की और साथ में अगर बात की जाए ईशान किशन की तो उन्होंने कल डबल सेंचुरी की 117 बॉल्स पर, तो क्या कहना चाहते हैं आप उस है वो विकेट कीपिंग करते हैं वो लेकिन खेले वो बहुत ज़बरदस्त हैं। देखिए पहले बांग्लादेश ने जितनी बड़ी टीमें ना सारी टीमों को अपने होम सीरीज में हराया है। इंडिया इससे पहले MS धोनी की कैप्टनसी में वहाँ पे गया था तब भी इंडिया वहाँ से सीरीज हार के आया था। अब भी दोनों लोगों ने फैसला कुन मैच जीत लिए थे। जैसे ये होता है कि जब आप सीरीज जीत जाते हैं उसके बाद आप इजी हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि हम सीरीज़ तो जीत चुके हैं, उसके बाद आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं और जो टीम हारी होती है ना वो फिर खुल के खेलती है कि कोई बात नहीं हमने हार तो गए हैं। सेम वही चीज़ इंडिया के मैच में हुई है कि वो मैच हार गए थे, सीरीज़ हार गए थे, उन लोगों ने कहा कि चलो अब हम जो अपनी नेचुरल गेम है या खुल के खेलने की कोशिश करते हैं उन्होंने वो ट्राई किया। और जो ईशान किशन है 200 रन करना एक इनिंग में वो बहुत बड़ी बात है चाहे टीम जैसी भी हो। जो बांग्लादेश की विकेट है वो थोड़ी स्पिनिंग ट्रैक है, वहाँ पे स्कोर करना मुश्किल था, जैसे पहले दो मैचेस में कम टोटल बना है तो इसने इतना अच्छा मतलब स्कोर किया और इंडिया ने 400 प्लस रन्स किए हैं, मेरे ख्याल 400 पता नहीं 30 प्लस थे। तो ईशान किशन ने जो इनिंग खेली वो बहुत आउट क्लास थी, वो पूरी इनिंग ऐसा नहीं था कि कोई तुक्के मार रहा है, वो तुक्के नहीं मार रहा, वो पूरा प्रॉपर तरीके से खेल रहा था। ईशान किशन से बड़ी देर पहले भी बैक किया जा रहा था कभी इसे टीम में लेके आओ, बहुत बड़ा प्लेयर है। जो विराट कोहली उसके साथ खेल रहा था आप देखिए जब उसने डबल सेंचुरी की है उन्हें शॉट लगाई तो विराट कोहली उससे पहले सेलिब्रेशन कर रहा था कि वो जूनियर जो हैं उनको बैक कर रहे थे, विराट कोहली उसको समझा रहे थे कि आपने ऐसे खेलना है ऐसे खेलना है। और दूसरी बात है विराट कोहली की, आपने कि विराट कोहली ने
तकरीबन 72 सेंचुरियां करी। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्लेयर जिसको लगता हो कि उसने डबल सेंचुरी की हो एंड या सेंचुरी क्रॉस की हो पाकिस्तान के अंदर, है प्लेयर्स? डबल सेंचुरी फखर जमान ने की हुई हमारे, मैं यही नाम सुनना चाह रही थी क्योंकि कहने वाली थी कि हमारे भी हैं फखर जमान जिन्होंने डबल सेंचुरी की थी और बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं वो। देखिए फखर जमान ने भी जब 200 किया था ना तब वो भी तकरीबन 24-25 साल का था, उसने जब 194 किया ना उसके बाद दोबारा उसने फिर 194 किया, वो 200 करने वाला था। उसको एक मैन किडिंग होता है कि एक गलत तरीके से आउट करना, कि गलत आपने इशारा किया कि थ्रो मारने का, उस तरीके से एडी कोक ने किया और वो रन आउट हो गया, वरना तब भी उसने 200 कर जाना था। उससे पहले सचिन तेंदुलकर ने भी 200 किया है, उनके रोहित शर्मा ने 2 बार 200 किया है और उससे पहले एक रोहित शर्मा ने 264 भी किया हुआ है। तो ये 200 करना वनडे में बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसको मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छी इनिंग के लिए और आइंदा आने वाले वक्तों में, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि इंडियन है या पाकिस्तानी है, असल में एंड पे देखिए आप क्रिकेट की जीत होती है, क्रिकेट देखने वालों को मज़ा आता है और जितना अच्छा क्रिकेटर्स आते हैं, जितनी अच्छी गेम्स होती है वहाँ उतना ज़्यादा इंजॉय किया जाता है, उतनी ज़्यादा क्रिकेट को पसीदा ही मिलती है। सही हो गया, थैंक यू सो मच।